बिजनौर में कृष्णा कॉलेज में विधानसभा चुनाव 2022 के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस बल के ठहरने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद। अमरोहा से बसपा प्रत्याशी नवैद अयाज ने अपने कार्यालय पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की शिकायत जिलाधिकारी अमरोहा से कर इंसाफ की लगाई गुहार। आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा, अभ्यर्थी का नाम कपिल कुमार, राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी, निर्वाचन का नाम सामान्य निर्वाचन 2022, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 19 बढ़ापुर सामान्य। मैं कपिल कुमार अपने ऊपर लंबित आपराधिक मामलों की घोषणा करता हूं। CGM बिजनौर मुकदमा संख्या 197/2017 13/6/2017 विचाराधीन 342/323/504/506 वर्ष 2017 में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव विज्ञापन छपवाने के 30,000 रुपये मांगने पर कपिल कुमार शमशाद हुसैन व लाल बहादुर पर वादी सुशील कुमार का अपहरण का गाड़ी में डालकर ले जाने व जान से मारने की नियत से फायर करना बताते हुए रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस विवेचना में कपिल गुजर 364/307/708 का अपराध होना न पाते हुए केवल 342/323/504/506 में आरोप पत्र दाखिल किया गया। धामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार राणा के समर्थन में जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कहा अधर्मियों को हराने के लिए यह धर्म की लड़ाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और धामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार राणा ने दलित महिला मिथिलेश के यहां पुराना धामपुर में किया भोजन, बीजेपी का प्रचार करते हुए किया जनसंपर्क। जनपद बिजनौर के नगीना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत सिंह ने गांव देहरी और सैदपुर में किया जनसंपर्क, नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। नूरपुर विधानसभा का चौमुखी विकास कराना चाहते हैं भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह, दर्जनों गांव का दौरा कर किया जनसंपर्क। नेहटौर क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी मुंशी रामपाल ने किया गांव में जनसंपर्क, वोट देने की अपील की। जनपद बिजनौर के धामपुर स्थित SBD महिला महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए, अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ।